नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। सीधा आपको उत्तराखंड के टनकपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ एकजुट यहाँ पर हो रखी है। और ऐसे में टनकपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो जारी है। हालांकि तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद हैं और भारी तादाद में भीड़ भी एकत्रित हो रखी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रसार योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चंपावत में रोड शो कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि 31 मई को चंपावत में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर पूरी तरह से जो तैयारी है वो तेज अब होती हुई बीजेपी की नजर आ रही है। हालांकि सीधी कांटे की टक्कर क्षेत्र में देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस की। अब जब परिणाम होंगे वो किस तरह से यहाँ पर सामने आएंगे वो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चुनाव प्रचार के जोर शोर से लग रहा है कि बीजेपी कितने उत्साहित नजर आ रही है, और जो तमाम लोग इस दौरान रोड शो में मौजूद हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद हैं, और जो चंपावत के ज़मीनी मुद्दे हैं उसे उठाती हुई बीजेपी हमेशा से नज़र आई, और ऐसे में एक बार फिर जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील बीजेपी के लिए की जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद पुराना रिश्ता रहा है उत्तराखंड से, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पौड़ी के रहने वाले और एक पहाड़ का बेटा सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है, तो जनता के मन में एक अलग ही तरह की छवि यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन 31 मई के बाद का जो परिणाम है वो किस दिशा और दशा किस तरह से बदलेगा वो हर किसी की नज़र टिकी हुई है। लेकिन रोड शो को देखकर समझा जा सकता है कि कितना उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। टनकपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार कर रहे हैं। चंपावत में उपचुनाव होने हैं, सीधी कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है, और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी कई तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है वो धरातल पर दिखनी अब शुरू हो चुकी है। और घर घर जाकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई बैठकों का दौर भी हो गया कि किस तरह से चंपावत सीट को अपने नाम बीजेपी कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार प्रसार अभियान भी यहां पर बीजेपी की तरफ से चलाया गया, और इस दौरान घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील भी की जा रही है कि 31 मई जो चंपावत उपचुनाव होने हैं उस दौरान बीजेपी के पक्ष में वोट करें। सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद हैं। रोड शो में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लहराते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी की जा रही है। इससे पहले भी कई बार प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन
ये रोड शो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर आकर रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान भी देखा गया था कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में किस तरह से वोट की अपील यहाँ पर की गई थी बीजेपी के हित में, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उत्तराखंड आए थे और रोड शो किया गया था। और एक बार फिर चंपावत उपचुनाव की जो तैयारी है बीजेपी की वो धरातल पर तेज हो चुकी है और यहाँ पर रोड शो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम यहाँ पर नेता मंत्री भी मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ, और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए सीधी तस्वीरें उत्तराखंड में किस तरह से उत्साह के साथ इस रोड शो को आगे बढ़ाया जा रहा है। और चंपावत उपचुनाव है उसकी तैयारी पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से तेज हो चुकी है, और देखिए एक सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कई गणमान्य लोग भी इस दौरान मौजूद नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके ये जो काफिला है ये आगे बढ़ रहा है। लोगों से हाथ जोड़कर अपील भी की जा रही है कि बीजेपी के पक्ष में वोट करें। पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चंपावत सीट से कर रहे हैं। टनकपुर की तस्वीरें जहाँ भारी तादाद में लोग भी इकट्ठा हुए हैं और ऐसे में ढोल ताशों की आवाज़ के साथ इस रोड शो को आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि चंपावत के जो विधायक थे कैलाश गहतोड़ी उनकी तरफ से सीट छोड़ने के बाद यहां से पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने का जो रास्ता था वो साफ हो गया था, और जो अभी तक परिस्थिति देखी जा रही है वो सीधी कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से है। और ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर एक बार फिर बीजेपी मैदान में उतरी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी है मैदान में उतरी हैं और जिनकी सीधी कांटे की टक्कर सीएम पुष्कर सिंह धामी से रहेगी, और ऐसे में जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको उठाती हुई बीजेपी यहां पर नजर आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हरीश जुड़ गए हैं। हरीश, सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में, कितना महत्वपूर्ण इसे माना जाए और किस तरह से काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए ऋतु, जिस तरह से आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पे हैं, चंपावत पहुंचे हैं, सड़कपुर में रोड शो कर रहे हैं। कुछ देर पहले 11 बजे के आसपास जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो सड़कपुर पहुंचे हैं। चंपावत उपचुनाव होना है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। अभी अगर बात करें तो अभी जो योगी आदित्यनाथ है वो रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी साथ में है, साथ ही मदन कौशिक है, तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो साथ में है, उनके साथ ही तमाम जो मंत्री है वो भी मौजूद है इस कार्यक्रम में, और बड़ी बड़ा जनसैलाब लोगों का उमड़ कर आया है। और लगातार जिस तरह बिल्कुल हरीश तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद है, कई गणमान्य लोग भी मौजूद है, उत्साह किस तरह से देखा जा रहा है? महत्वपूर्ण दौरा आज योगी आदित्यनाथ का है क्योंकि जिस तरह से हम 2022 के चुनाव की बात करें तो 2022 में योगी आदित्यनाथ तमाम जगह पर पहुंचे थे, चाहे वो गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, काफी असर इसका देखने को मिला था। वहीं अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह दिख रहा है और इसका कहीं ना कहीं बड़ा असर भी उपचुनाव पर पड़ेगा क्योंकि आज मुख्यमंत्री यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वो दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, साथ ही अभी की अगर बात करें तो रोड शो कर रहे हैं। जी ले, अब इस काफिले की अगर जिक्र किया जाए हरीश, तो ये काफिला किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन की तरफ से किस तरह की सख्ती या फिर एहतियाती कदम उठाए गए हैं, क्या किसी भी तरह से डायवर्जन किया गया रूट का? बात की है तो कहीं कहीं आज का जो महत्वपूर्ण दौरा है और दौरे में जो रोड शो इस समय किया जा रहा है और
रोड शो को लेकर के जो मेन सड़क है, जो मुख्य मार्ग है, उसे डाइवर्ट किया गया है। जो आने वाले जो लोग हैं उनको दूसरी तरफ से भेजा जा रहा है। हालांकि कुछ देर का ही ये रोड शो रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर से जो व्यवस्था है वो सुचारू की जाएगी। लेकिन बहरहाल पुलिस व्यवस्थाएं भी आप देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्थाएं भी यहाँ पे लगातार की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई जो आम जन है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। लेकिन बहरहाल इस तरह से बात करें, रोड शो है, कुछ देर बाद रोड शो समाप्त होकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान जो जब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब आगे की किस तरह से जो स्थिति परिस्थिति है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कोई रिएक्शन सामने आया, मीडिया के सामने कुछ भी वो कहते हुए नजर आए? बेहद खुशी समय पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर दिख रही है कि रोड शो कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पूरा संचालन कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं उनके साथ एक बड़ा हुजूम उमड़ कर आया है। तो इसका कहीं कहीं असर भी उपचुनाव में पड़ेगा, लेकिन कहीं देखा जाए तो अभी तक जो रिएक्शन है उनकी तरफ से नहीं आया है। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो जनसभा होगी उसमें कहीं ना कहीं कई बातें की जाएगी, और इसके साथ ही लोग उनको सुनने के लिए भी पहुंचे हैं। कई उम्मीदें भी लोगों को है, स्थानीय लोगों की बात करें क्योंकि सुदूर इलाका है, जिस तरह से पिछड़ा क्षेत्र है, उस ऐसे में उसे मॉडल बनाने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो एक यहाँ पर जो चंपावत हो, चंपावत जिले को भी एक मॉडल तरीके का, और साथ ही साथ जो पर्यटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो पर्यटन को भी यहाँ पर विकसित करने की उन्होंने बात की है। बिल्कुल, अब किस तरह से मॉडल यहाँ पर सामने आता है और इस काफिले को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उस पर लगातार नजर बनी हुई है। तमाम जानकारी हरीश साझे की, उसके लिए शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।